हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने साइंस का लेसन नंबर एट सेफ्टी एंड फर्स्ट एड बुक से एक्सप्लेन किया था आज हम इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ए पार्ट है टेक द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कट आवर स्किन हमारी स्किन को कौन काट सकता है रेजर ब्लेड सिजर्स नाइफ या ऑल ऑफ दीज आंसर है ए डी ऑल ऑफ दीज सेकेंड वेयर शुड यू फ्लाई काइड्स हमें काइड्स कहाँ उड़ानी चाहिए ऑन रूफ टॉप नियर द रोड इन ओपन फील्ड हमें खुले मैदानों में काइड्स उड़ानी चाहिए थर्ड यू शुड एक्सेप्ट डैश फ्रॉम अ स्ट्रेंजर हमें एक अनजान व्यक्ति से क्या लेना चाहिए चॉकलेट स्वीट नथिंग या ए लिफ्ट तो हमें नथिंग यानि कुछ नहीं लेना चाहिए फोर्थ एन एंटीसेप्टिक क्रीम इज यूजफुल इन हीलिंग

जब हम माचिस की तीली जलाते हैं तो हमें उसको अपनी बॉडी से दूर रखना चाहिए थर्ड आइडली ए चाइल्ड शुड सिट इन द बैक सीट ऑफ अ कार छोटे बच्चों को हमेशा कार की पीछे वाली सीट पे बैठना चाहिए फोर्थ ए पर्सन हु हैज शुड बी लेड डाउन विद द हेड लोअर देन द बॉडी सी पार्ट है आंसर इन यस और नो फर्स्ट शुड बी सेट ऑफ फायरवर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स हमें बड़ों की देखरेख में ही फायर uh, वर्क यानी क्रैकर्स वगैरह जलाने चाहिए यस सेकेंड शुड वी लिसन टू म्यूजिक हेडफोन्स वाइल्ड राइडिंग ए बाईसिल हमें साइकिल चलाते है, टाइम हेडफोन्स यूज करने चाहिए नो थर्ड यू शुड वी डाइव ओनली इन द डीप वाटर इन अ स्विमिंग पूल हमें स्विमिंग पूल में जो गहरा पानी होता है हमें उसमें डूब जाना चाहिए आंसर इज नो फोर्थ शुड वी क्राउड अराउंड द इंजर्ड पीपल हमें जो

Question number three. Where should we walk if there is no pavement? Answer. If there is no pavement, we should walk on the right side facing the oncoming traffic. Question number four. How should one light crackers? Answer. One should light crackers from a distance and move away quickly. Question number five. What is first aid? Answer. First aid is the first help given to the people who are suddenly sick or hurt. यहाँ पे आपके चैप क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं ये कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस हैं। ए पार्ट है कंप्लीट द स्पेलिंग्स। फर्स्ट फर्स्ट है एड सेकंड सेफ्टी थर्ड एक्सीडेंट्स, फोर्थ हार्ट फिफ्थ रूल्स नेक्स्ट है बी पार्ट मैच द फॉलोइंग हैन, चिक काउ काफ फ्रॉग टैडपोल डॉग पप सब एनिमल्स हैं और उनके बच्चों के नाम ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है और इसे अच्छे से लर्न करना है थैंक यू